दोस्तों, अगर आप भी भारतीय महिला टीम और श्रीलंका महिला टीम के बीच फाइनल मैच एशिया कप का देखने के बाद खुश हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आज के वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 100 लाइक्स का, तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि महिलाओं का एशिया कप 2024 आखिरकार अपने अंतिम चरण पर आ ही चुका है, जहां भारतीय टीम और श्रीलंका की टीम ने फाइनल में अपनी जगह को पुख्ता किया। अब दोस्तों, रंगीरी दम्बुला इंटरनेशनल स्टेडियम पर भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला चुना। उनको पता था कि श्रीलंका की टीम बल्लेबाजी में ताबड़तोड़ प्रदर्शन कर दिखाएगी और हराने के लिए उनको एक नए प्लान के साथ उतरना पड़ेगा। अब यहां श्रीलंका की तरफ से जब विस्मिनी गुणारत्ने और चमारी अट्टापट्टू मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरी, तो यहां पर दोनों बल्लेबाजों ने आज भारतीय गेंदबाजों की कमर तोड़ कर रख दी। इस दौरान राधा यादव, पूजा वस्त्रकार ने खूब कोशिश कर ली, लेकिन आउट होने का ये नाम ही नहीं ले रहे थे, जिसके चलते श्रीलंका महिला टीम ने पहले विकेट के लिए ही 100 रन की साझेदारी कर डाली। इस दौरान शमीरा अट्टापट्टू ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए पूरा मुकाबला पलट कर रख दिया और इस मैच में वो 74 रन बनाकर वो भी मात्र 28 गेंदों में खेल रही थी और उनका साथ विस्मिनी गुणारत्ने निभा रही थी, जो कि 40 रन बनाकर टिकी हुई थी। लेकिन तभी मैदान पर आकर पूरा मुकाबला रेणुका सिंह ने पलट कर रख दिया, जहां रेणुका सिंह ने सबसे पहले चमारी अट्टापट्टू को आउट किया, जो कि इस मुकाबले में 82 रन बनाकर अपना विकेट खो बैठी और अपनी इस पारी में उन्होंने 11 चौके और 5 बड़े छक्के भी लगाए, जैसा कि आप सब यहां पर स्कोर कार्ड में भी देख सकते हो। तो वहीं विस्मिनी गुणारत्ने ने इस मुकाबले में 50 रन जड़कर अपनी टीम के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब दोस्तों, यहां दो बड़े विकेट गिर जाने के बाद हर्षिता समरविक्रमा और कविशा दिलहारी मैदान पर उतरी, जहां इन दोनों बल्लेबाजों का बल्ला चल नहीं पाया और रेणुका सिंह को यह दोनों ही विकेट हाथ लगे। इस दौरान हर्षिता ने 11 रन बनाए, तो वहीं कविशा दिलहारी ने 10 रन की पारी खेली और इसी के साथ 4 बड़े झटके श्रीलंका की टीम को लग चुके थे। अब यहां से जरूरत थी कि नीलाक्षी डी सिल्वा और अनुष्का संजीवनी मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाएं और अपनी टीम के लिए बड़ा स्कोर जोड़े, लेकिन दोस्तों यहां यह दोनों बल्लेबाज भी ज्यादा कुछ खास अच्छा प्रदर्शन कर नहीं पाई, जहां नीलाक्षी ने 24 रन की पारी खेली तो वहीं 25 रन इस मुकाबले में अनुष्का संजीवनी के बल्ले से निकले और यह मुकाबला पूरी तरह से पलटता हुआ नजर आया। लेकिन दोस्तों, रंगीरी दम्बुला के स्टेडियम पर श्रीलंका की टीम 200 के पार अपने स्कोर को ले जा पाने में कामयाब हो सकी और 203 रन बनाकर 204 रन का लक्ष्य भारतीय टीम के आगे रखा। अब यहां हर कोई हैरान था कि टीम इंडिया 204 रन बना कैसे पाएगी, क्योंकि भारत के पास भले अच्छी बल्लेबाजी मौजूद है, लेकिन बाद में गेंदबाजों को इस मैदान पर इतनी अच्छी मदद मिलती है कि पूरा मुकाबला एक तरफा होता हुआ ही नजर आता है। तो अब दोस्तों, भारतीय खिलाड़ियों को इसी बात का डर सताने लग गया। अब यहां भारत की पारी की शुरुआत सैफ अली वर्मा के साथ स्मृति मंधाना ने की, जहां स्मृति मंधाना और सैफ अली वर्मा ने पूरे ही एशिया कप में अपना राज जमा कर चला है और यहां पर दोस्तों दोनों बल्लेबाजों ने आज भी वही प्रदर्शन कर दिखाया जिसकी उम्मीदें उनसे लग रही थी। जी हां दोस्तों, इस दौरान सैफ अली वर्मा और स्मृति मंधाना ने तो ठान लिया था कि वो रुकने वालों में से नहीं है और सैफ अली वर्मा स्मृति मंधाना ने मिलकर मुकाबले को फिर आगे बढ़ाना जब शुरू किया तो श्रीलंका के गेंदबाजों के पसीने छूट गए। जी हां दोस्तों, यहां हसीनी परेरा, जो कि श्रीलंका की सबसे अच्छी गेंदबाज है, वो भी कुछ कर नहीं पा रही थी। इस दौरान सैफ अली वर्मा कभी कवर्स, कभी स्वीप शॉट, कभी डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्के चौकों की बरसात करते हुए अपना अर्धशतक मात्र 17 गेंदों में ही पूरा कर लेती हैं। सैफ अली वर्मा का ऐसा प्रदर्शन देखकर तो लग रहा था कि आज भारत की टीम 204 रन 15 ओवर के भीतर ही बना देगी, लेकिन दोस्तों जब सैफ अली वर्मा के रूप में भारतीय टीम को पहला बड़ा झटका लगा, वहां से पूरा मुकाबला पलट गया। हुआ ये कि सैफ अली वर्मा हसीनी परेरा की अंदर आती हुई गेंद पर आगे बढ़कर शॉट लगाने के लिए चली गई और पीछे खड़ी विकेटकीपर बल्लेबाज अनुष्का संजीवनी ने सैफ अली वर्मा को मात्र कुछ सेकंडों का ही समय रहते हुए स्टंप आउट कर दिया, जिसके चलते यहां सैफ अली वर्मा 56 रन बनाकर अपना विकेट खो बैठी। अब सैफ अली वर्मा की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी तो जा चुकी थी, लेकिन अभी भी मैदान पर स्मृति मंधाना मौजूद थी, जहां स्मृति मंधाना का साथ निभाने के लिए तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरी दयालन हेमलता, जहां दयालन हेमलता और स्मृति मंधाना अब स्कोर को आगे बढ़ाते हुए तो नजर आ रही थी। लेकिन दोस्तों, दयालन हेमलता के रूप में भारत
भारत को दूसरा बड़ा झटका लगने में भी ज्यादा समय नहीं लगा और 14 रन की पारी उनकी ही समाप्त हुई। अब यहाँ दयालन हिमलता के आउट हो जाने के बाद जमायमा रोड्रिगिस को भेजा गया, जो स्मृति मंधाना के साथ मिलकर जमायमा रोड्रिगिस को बस स्कोर को आगे बढ़ाकर मेंटेन करके चलना था। लेकिन जमायमा को तो न जाने कहां की जल्दी पड़ी हुई थी, वो भी इतने जरूरी जीतने वाले मुकाबले में सामने की तरफ बड़ा शॉट लगाने के लिए गई और गेंद लॉन्ग ऑफ की तरफ हवा में उड़ गई और दोस्तों यहां गेंद हवा में फील्डर नीचे और जमायमा रोड्रिगिस का विकेट गिर गया, जो कि इस मुकाबले में मात्र 21 रन ही बना पाई। अब दोस्तों तीन बड़े झटके लग जाने के बाद भारत की टीम पूरी तरह से दबाव झेल रही थी, लेकिन एक तरफ स्मृति मंधाना रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अर्धशतक पूरा कर लेने के बाद वो 78 रन पर जा पहुंची। इस दौरान स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर पर हर किसी की निगाहें थी कि ये दोनों बल्लेबाज मिलकर ही अब कुछ चमत्कार कर दिखाएंगे। अब यहाँ स्मृति मंधाना अपने शतक के करीब थी तो हरमनप्रीत सिंह को यह मुकाबला जिताने पर ज्यादा फोकस करना था। अब यहाँ हुआ ये कि अंतिम ओवर तक मैच जा पहुंचा, जहाँ मुकाबले में जीतने के लिए भारत को 6 गेंदों में 21 रन की दरकार थी और अंतिम ओवर श्रीलंका के लिए हसीनी परेरा करवाने के लिए उतरी। अब दोस्तों यहाँ हसीनी परेरा ने पहली गेंद तो यॉर्कर डालने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उस गेंद को पूरी तरह से मिस हरमनप्रीत कौर कर बैठी। अब भारत को 5 गेंदों पर 21 रन चाहिए थे। हरमनप्रीत कौर ने सामने की तरफ चौका बटोर लिया अगली गेंद पर और इसी के साथ भारत की टीम जीत की तरफ अब आगे बढ़ती चली जा रही थी। अब यहाँ 4 गेंदों में 17 रन भारत को बनाने थे, लेकिन प्रेशर इस हद तक था कि यहाँ पर हरमनप्रीत कौर ने इस फुल टॉस गेंद पर भी 1 रन भागकर पूरी स्ट्राइक अब स्मृति मंधाना को थमा दी, जहाँ भारत को अब जीतने के लिए 3 गेंदों पर 16 रन चाहिए थे, जो कि इम्पॉसिबल सा लग रहा था। यहाँ स्मृति मंधाना ने पहली गेंद आउटसाइड ऑफ की तरफ चौका बटोर लिया। अब भारत को 2 गेंदों पर 12 रन चाहिए थे मैच जीतने के लिए। स्मृति मंधाना को भी अपना शतक पूरा करने के लिए इस मुकाबले में 10 रन की दरकार थी और दोस्तों फिर क्या था, यहाँ स्मृति मंधाना ने डीप मिड विकेट के ऊपर से 5वीं गेंद पर छक्का जड़ दिया। भारत की टीम को अब 1 गेंद पर 6 रन चाहिए थे। स्मृति मंधाना हरमनप्रीत कौर से बात करती हुई नजर आई। हरमनप्रीत कौर ने उनको कुछ समझाया और स्मृति मंधाना ने 6ठी गेंद पहले से ही भापते हुए कवर्स के ऊपर से छक्का जड़ते हुए भारतीय टीम को हारे हुए मुकाबले में जीत दिलाई और दोस्तों स्मृति मंधाना ने इस छक्के के साथ फाइनल मुकाबले में अपना शतक भी पूरा कर लिया और इस दौरान स्मृति मंधाना ने 102 रन की पारी खेली तो 11 रन हरमनप्रीत कौर के बल्ले से भी निकले। बाकी हम आपको बता दें कि भारत और श्रीलंका के बीच फाइनल मुकाबले से ठीक पहले खेला गया यह इंटर स्क्वाड और अभ्यास सत्र का मुकाबला है, जिसमें भारतीय टीम की जीत हुई। बाकी अब आप सभी की क्या राय है भारतीय टीम की शानदार जीत के बारे में और आप टीम इंडिया को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे, अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।